प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह शुक्रवार को रीवा पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि तथा क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक ली। शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह शुक्रवार को रीवा पहुंचे और रीवा पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि तथा क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की और इससे बचने के लिए सभी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने जिले के अधिकारियों को जिले में मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के लिए निर्देशित किया। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पर संतुष्टि जताई। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि प्रदेश में तीसरी लहर नहीं आना चाहिए और तीसरी लहर के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या तैयारियां की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले में भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि जाके देखो कि जिले में क्या क्या चीज़ की कमी है। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट के आदरणीय सदस्य माननीय विधायकगण सबको बुला के बैठक की गई है और जो यहाँ पे व्यवस्था है इससे मैं संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रीवा जिला में तीसरी लहर नहीं आएगी। इतना मैं आपको मंत्री जी, किसानों की समस्या का खरीदी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, खाद बिजली की समस्या को लेकर ज़्यादा खरीदी हो रही है, इसके लिए कुछ नहीं? हमारे यहाँ तो नियम तय है कि आपके यहाँ जितना जनप्रतिनिधियों ने खरीदी केंद्र की मांग किया था सब जगह खरीदी केंद्र बना, ज़्यादा धान खरीदी जा रही है, तौलाई में ज़्यादा तौलाई दी जा रही है। अगर इस टाइप की कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, जो नियम है वही लागू किया जाएगा। अगर कहीं ज्यादा या कम खरीदा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। रिपोर्ट, खबर, मध्य प्रदेश।